हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के सभी नए विधायकों के जीवन के बारे में, कि उनकी उम्र कितनी है, उनकी शिक्षा कितनी है और उनके ऊपर कितने अपराध दर्ज हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोटा ज़िले के सभी नए विधायकों के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों चेतन पटेल कोलाना की, जो पिपलदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। पिपलदा विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आती है। चेतन पटेल कोलाना की उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 32 साल। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। अपराध की बात करें तो इनके ऊपर एक भी अपराध दर्ज नहीं है। बात करें दोस्तों इनकी कुल संपत्ति की, तो इनकी कुल संपत्ति है 6,50,99,717 और इनकी इनकम की बात करें तो वो आती है कृषि और किराए से। और पार्टी की बात करें तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अब बात करें दोस्तों हीरालाल नागर की, जो कि सांगोद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सांगोद विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आती है। बात करें इनकी उम्र की तो इनकी उम्र है 63 साल। शिक्षा की बात करें तो स्नातक। अपराध की बात करें तो इनके ऊपर एक अपराध दर्ज है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो वो है 9,94,62,611 और इनकी इनकम की बात करें तो वो है व्यवसाय और कृषि। और पार्टी की बात करें तो ये भाजपा पार्टी से आते हैं। बात करें दोस्तों अगले शांति दारीवाल, जो कि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आते हैं। इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 80 साल। शिक्षा की बात करें तो ग्रेजुएट। अपराध की बात करें तो इनके ऊपर एक भी अपराध दर्ज नहीं है। बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो वो है 10,09,57,589 और इनकी इनकम की बात करें तो किराया और पेंशन। और पार्टी की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अब बात करें दोस्तों संदीप शर्मा, संदीप शर्मा जो कि कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आती है। बात करें संदीप शर्मा की उम्र की तो इनकी उम्र है 55 साल। शिक्षा की बात करें तो स्नातक। अपराध की बात करें तो एक भी अपराध इनके ऊपर दर्ज नहीं है। इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो वो है 5,08,69,880 और इनकी इनकम की बात करें तो विधायक पेंशन। पार्टी की बात करें तो ये भाजपा पार्टी से आते हैं। अब बात करें दोस्तों मदन दिलावर, जो कि रामगंज मंडी से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आती है। इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 64 साल। शिक्षा की बात करें तो इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने। अपराध की बात करें तो दोस्तों इनके ऊपर 14 अपराध दर्ज हैं और इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो वो है 4,74,24,269 और इनकी इनकम की बात करें तो कृषि। और पार्टी की बात करें तो दोस्तों ये भाजपा पार्टी से आते हैं। अब बात करें दोस्तों अगले कल्पना देवी की, जो कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र जो कि कोटा ज़िले के अंतर्गत आती है। इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है 54 साल। शिक्षा की बात करें तो 12वीं पास। अपराध की बात करें तो इनके ऊपर एक भी अपराध दर्ज नहीं है। बात करें दोस्तों इनकी कुल संपत्ति की तो इनकी कुल संपत्ति है 56,68,32,000 और इनकी इनकम की बात करें तो व्यवसाय और विधायक वेतन। पार्टी की बात करें तो ये भाजपा पार्टी से आते हैं। दोस्तों यह थी कोटा ज़िले की सभी विधायकों के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। दोस्तों ये जो भी जानकारी हमारे द्वारा बताई गई है, ये चुनाव के टाइम में उम्मीदवार जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्मों से ये डिटेल उठाई गई है। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई डिटेल ऐड नहीं की गई है। और आप किस ज़िले से आते हैं, अगर आप अपने ज़िले के सभी विधायकों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ज़िले का नाम कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।